सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जब आप उन दो अराकीन के बच्चों को मार्सिली के जहाज पर चढ़ा देंगे, तो फिर वो अराकीन हमारी मुट्ठी में होंगे, और इसके लिए आपको देर नहीं करनी चाहिए। दबाव बढ़ता जा रहा है। मेरे वालिद महल गए थे और अब मेरा उनसे रابطہ नहीं हो पा रहा। हमारा ताकुब हो रहा है। अच्छा, सिपाही है क्या? हाँ। भागो! इसमें खुफिया पैगाम मौजूद है। क्या ये तहसीन पाशा के बारे में है? हो सकता है। आप इसकी तफसीर से जांच कीजिए। पहले सफर के मकसद के हवाले से कुछ कागजात पर दस्तखत करना होंगे, यानी आप बाकायदा कबूल करेंगे इसे। हवेली के लिए खरीदार आया है। हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी कोई खरीदार मिल जाएगा। ये आम सी बात है, इतनी अच्छी हवेली कोई भी देखेगा तो उसे जरूर खरीदना चाहेगा। उनके बच्चे हमारे पास हैं तो वो हमारे हाथों का खिलौना बन जाएंगे, समझे? और फिर इसके बाद ये होगा कि अब्दुल हमीद उनसे अपना मतलूबा फैसला हासिल करने के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। आपकी राय किसके हक में होगी? जो भी रियासत के हक में होगा वही फैसला करेंगे। सुल्तान मुअज्जम को पुरसुकून रहना चाहिए। हमने नाइम सुल्तान की हवेली से मुतालिक तफसीलात मंगवाई थी। नाइम सुल्तान अपनी हवेली फरोख्त कर रही है। आप जहाज पर सवार हो, जब दूसरे साथी पहुंचेंगे तो जहाज रवाना हो जाएगा। सबसे अहम बात, नजीब मलहम पाशा को बचाने से आप न सिर्फ एक पाशा को बचा रहे होंगे, बल्कि आप एक ऐसे गद्दार पाशा को भी गिरफ्तार कर लेंगे जो महल में छुपा बैठा है। दस्तखत किए जाएं। जनाब कसल, आपने जिस रकम से सरमायाकारी की है वो तुर्क बैंकों में मुंतकिल कर दी जाएगी, और अगर दीवाने अमूमिया का फैसला हमारे हक में ना हुआ तो नुकसान की तलाफी के लिए एक मुआहदा किया जाएगा। हमारे बेटों को अगवा कर लिया गया, उन्हें पेरिस ले जाया जा रहा है। अगर हमने रियासत का साथ दिया तो हमारे बेटों को मार दिया जाएगा। पकड़ लो इन्हें। दो को उस्मानी हुकूमत ने मुंतखिब किया है और बाकी पांच सरमायाकार मुमालिक के मुंतखिब करता है। अब खुफिया राय शुमारी के जरिए हतमी फैसले तक पहुंचा जाएगा। सुल्तान का जवाल, नाहीं में सुल्तान को बढ़ते हुए अखराजात की वजह से अपनी हवेली बेचनी पड़ी। हिम्मत कैसे हुई? क्या ये सच है? नाहीं में बाजी, आप पुरसुकून हो जाएं। ये खबर शाये करने की हिम्मत किसने की? किसकी हुई इतनी हिम्मत? इतनी जल्दी किसी को इस बात का इल्म आखिर कैसे हो सकता है? हमें मालूम है कि कैसे इल्म हुआ।
हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप इतनी पस्ती में गिर सकती हैं सालिया सुल्तान। खैरियत तो है, क्या हुआ है हम कुछ समझे नहीं। आपने जो किया है वो रियासत और सुल्ताने मौजम की तौहीन है। जी हाँ, ये वाकई एक बहुत बुरी खबर है, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर इससे हमारा क्या ताल्लुक है। अनजान मत बने, ये खबर आपने ही शाया करवाई है। आपने हमारे कमरे में हवेली के कागजात देख लिए थे। हाँ, हमने देखे और आपने वो फरोख्त भी कर दी। इसका मतलब आप खुद एतराफ कर रही हैं। नाइमे सुल्तान, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम किसी भी कीमत पर यह बात किसी को नहीं बता सकते, और वैसे भी हम ना तो महल से कहीं बाहर गए और ना ही किसी से मुलाकात की, तो आप हम पर ये इल्जाम लगा रही हैं। ठीक कहा आपने, आपकी किसी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आपने अपनी खादमा को भेजकर ये खबर शाया करवाई है, ऐसा ही है ना? इमसान खादमा भी महल से कहीं बाहर नहीं गई। क्या आप अपनी मलिका को बताए बगैर ही बाहर चली गई थी? हमने कहा ना कि वो महल से बाहर नहीं गई। नाइमे सुल्तान, हमें मालूम है ये गई थी। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि हम इनका ताकुब करवा रहे हैं, क्योंकि हमें आप दोनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सुल्ताना, मैं बाहर गई थी, ये सच है। यानी आप गई थी? कहाँ गई थी आप, और हमें इसका इल्म क्यों नहीं है? हमें शर्मिंदा करने के लिए इस खबर को शाया करवाने गई थी, और कहाँ? क्या ये सच है, बताइए। तीन पाशा, उस पर एहतियात से। तहसीन पाशा, अब हम क्या करें? मैं अपने बेटे को खतरे में नहीं डाल सकता। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। वक्त बहुत कम रह गया है, अब हम क्या करें? आखिरी लम्हे तक अगर सुल्तान मौसम की तरफ से कोई खबर ना आई तो हमें ऐलान करना होगा। होशियार, सुबह
सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं, आप हमेशा फतेह याब रहे। मेरा बेटा, दोनों आ गए। आपके बेटों को बचा लिया गया है। अल्लाह आपसे राजी हो सुल्तान मौज़म, अल्लाह आपका भला करे। लेकिन ये अपनी मर्जी से जा रहे थे। हमें धोखा दिया गया, हम समझे सिपाही हमारे पीछे हैं। आपके साथ खेल खेला गया है। तहकीकात के मुताबिक सिपाहियों को आपके ताकुब का हुक्म किसी ने भी नहीं दिया, और वैसे भी इन नौजवानों को गिरफ्तार करवाने की हमारे पास कोई वजह नहीं। अल्लाह आपका भला करे, हम तो उनकी साजिश का शिकार होने वाले थे। आपके वालिद भी उनकी साजिश का शिकार होने वाले थे। और हमारे खिलाफ अपना हक राय दही इस्तेमाल करने जा रहे थे। अल्लाह आपसे राजी हो सुल्तान मौसम, जब तक आप हमारी रहनुमाई फरमाते रहेंगे तब तक ये कौम गलतियां और बेवकूफियां करने से बची रहेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुबारक हो सुल्तान मौसम, मुझे खुशी है कि कमेटी ने आपके हक में फैसला किया है। बहुत शुक्रिया जनाब कसल, आखिर आपने देख लिया कि आपकी सरमायाकारी का फैसला हरगिज भी गलत साबित नहीं हुआ। यकीनन ऐसा ही है, आप पर भरोसा करके मैंने कोई गलती नहीं की। उस्मान, हौसला रखो मेरे शेर। नादर साहब मदद करें, उस्मान को फौरन अस्पताल लेकर जाना होगा। ये पकड़े। वफ्त ने हमारे हक में फैसला किया है, इसका मतलब है सुल्तान मौज़म ने तहसीन पाशा को बचा लिया। क्या किसी ने उन्हें देखा? मैंने तहसीन पाशा को नहीं देखा, क्या आप में से किसी ने देखा है? तहसीन पाशा को बचाए बगैर वो फैसला कैसे करवाया होगा? वो तहसीन पाशा को मुश्किल में नहीं डाल सकते, यकीनन सुल्तान मौज़म ने बचा लिया होगा। होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। पाशा हजरत। सुल्तान मौज़म, हम तहसीन पाशा के बारे में फिक्रमंद थे, वो वापस आ गए हैं ना? ठीक तो है ना वो इंशाल्लाह? तहसीन पाशा अभी तक वापस नहीं आए हैं। अब आप हजरात ये सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। हम बताते हैं, हम पर भरोसा करने वाले दोस्तों को हम कभी भी तन्हा नहीं छोड़ते।
लेकिन सुल्तान मौसम, फैसला तो सामने आ गया है, धमकियां भी तो इसी बारे में थी ना? बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कमेटी से हमारे खिलाफ फैसला करवाने के लिए एक और मंसूबा बनाया था। चूंकि उनका कोई और मंसूबा भी था, इसलिए धमकियों की कोई अहमियत नहीं। तहसीन पाशा को वो कभी कत्ल नहीं करेंगे, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हमने उनका मंसूबा नाकाम करके फैसला अपने हक में करवा लिया। अब वो जरूर कुछ और सोचेंगे। मतलब कि आप लोग महल की सूरत हाल जानने आए हैं? मैं बताता हूं। अब्दुल हमीद हमारी धमकियों में नहीं आया। तो यानी तहसीन पाशा की कुर्बानी दे दी? नहीं, उसको हमारे दूसरे मंसूबे का इल्म हो गया था, और जाहिर है कि वो ये भी जान गया था कि हम तहसीन पाशा को मारने का इरादा नहीं रखते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने तो सब कुछ बहुत सफाई से किया था। जो भी इस मंसूबे की नाकामी की वजह बना है, हम उससे हिसाब जरूर लेंगे। क्या कहा तुम हिसाब लोगे? असल में तो तुम अहमकों को हिसाब देना होगा, क्योंकि ये मंसूबा तुमने बनाया था। आवाज ना आए तुम्हारी, समझे? अपनी आवाज बंद रखो ताकि मेरी बात समझ आ सके। कान खोल कर सुन लो, तुम लोगों को अपनी हर गलती का खमियाजा भुगतना होगा। अब अपने नाकारा दिमाग को इस्तेमाल करो अहमको। मुझे बताओ ये मंसूबा अब्दुल हमीद तक कैसे पहुंचा? मुझे बताओ तुम्हारा राबता महल में किस किस से है? अब्दुल हमीद को धोखा देने का मंसूबा किसके साथ बनाया तुम लोगों ने? मैं बताता हूँ जनाब कसल, आप जानते हैं कि हम सलानी के अजीम मेसन लॉज के अराकीन हैं। हमारे दीगर साथियों में रियासत के कुछ अहम तरीन पाशा हजरात भी शामिल है, जैसे की सलीम पाशा, और इज्जत पाशा भी हमारे साथ है। हाँ, इज्जत पाशा भी हमारे साथ है। महल से मिलने वाली तमाम तर मालूमात, जो मालूमात हम आप तक पहुंचाते हैं, वो सब हमें उन्हीं से मिलती है, उन्हीं से। सच सच बताओ, बाहर किस किस से रहता है तुम लोगों का? मुखालिफ सोच रखने वाले अहम तरीन लोग, महमद तलत और मनियास रफीक साहब। तुलबा की तंजीम चलाते हैं वो, जवानों को एक जगह जमा करने, उनमें बगावत की आग भड़काने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। वाह, बेहतरीन। मतलब के तुम लोगों के पास ऐसे लोग हैं जो दूसरों की सोच को बदल सकें और लोगों को हुकूमत के खिलाफ कर सकें? बिल्कुल। बहुत खूब। यानी तुम लोगों के पास इतनी बड़ी ताकत है, मगर तुम लोगों को उसका सही इस्तेमाल करना नहीं आता। सोचो जरा, एक ऑर्केस्ट्रा के बारे में सोचो। हर ऑर्केस्ट्रा का एक रहनुमा होता है, और जब तक वो रहनुमा ऑर्केस्ट्रा की सही रहनुमाई नहीं करता, तब तक एक जैसे साज नहीं बज पाते। तुम लोग एक ऑर्केस्ट्रा की माने तो, मगर तुम लोगों का कोई रहनुमा नहीं है। तुम्हारी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं, वो रहनुमाई मैं करूंगा। आप हमें इत्तला दिए बगैर आखिर पैरा क्यों गई थी? मैं आपके कमरे में आई थी आपको इत्तला देने, मगर आप सो रही थी तो मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। काश आप हमें जगा देती इमसाल खादमा, तो आप नाइमे सुल्तान के लगाए इल्जाम से तो बच जाती। माफी चाहती हूँ सुल्ताना, मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने गई थी। नाइमे सुल्तान ने एक लिफाफे का जिक्र किया है, उनके मुताबिक लिफाफे में वो खबर थी जो आपने सहाफियों तक पहुंचाई। उस लिफाफे में सिर्फ रकम थी जो मैं अपने रिश्तेदार को देने गई थी। हमें आप पर पूरा यकीन है इमसाल खादमा, हम जानते हैं कि आप कुछ गलत नहीं कर सकती,
लेकिन ये भी सच है कि किसी ने हवेली की फरोख्त की खबर अखबार में शाया करवाई, मगर किसने? हमें मालूम करना होगा कि हवेली किसने खरीदी है, शायद इसी से कुछ मालूम हो जाए। सालेहा सुल्तान ने खबर के बारे में क्या कहा? इनकार कर दिया और क्या कहना था। और जब इम्साल खात्मा का पैरा जाने का सुना तो हैरान हो गई। हैरान हुई या अदाकारी कर रही थी हम नहीं जानते। हो सकता है ये सारा मंसूबा उस खात्मा का हो और सालेहा सुल्तान को इसकी खबर भी ना हो। आलिया, खादिमा पर इस तरह इल्जाम मत लगाएं। उनके बारे में हमने ना कुछ सुना है ना देखा है। मगर उनके अलावा ऐसा कौन कर सकता है? देखे नायमे, इम्साल खादिमा ऐसा क्यों करेंगी भला? आप किसी परेशानी से दो चार हों वो ऐसा क्यों चाहेंगी? यकीनन नायमे बाजी को चचा जान के सामने शर्मिंदा करके इस महल से भेजने के लिए। आलिया, हमें आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा? आलिया पर गुस्सा मत हो, नहीं जानते कि सालिया सुल्तान इसमें शामिल है कि नहीं, लेकिन इम्साल खात्मा जरूर कुछ बुरा इरादा रखती है। शहजादी जी, कहिए। सुल्तान मौजम ने आपको तलब फरमाया है। ठीक है, आप जा सकती हैं। चचा जान ने यकीनन खबर पढ़ ली होगी, अब आप क्या कहेंगी? नहीं मालूम। ऐसा कुछ मत कहिएगा कि आपको सालेहा सुल्तान या इम्साल खादिमा पर शक है। हरगिज़ नहीं। फिक्र मत करें, हम किसी सबूत के बगैर ऐसा कुछ नहीं करने वाले। बाबा, आपने हमें बुलाया। हम एक ही महल में रहते हुए एक दूसरे से कितने दूर हो गए बेटी। आपने हवेली बेच दी, हमें अखबारात से मालूम हुआ। आप ठीक कह रहे हैं, हमें इत्तला देनी चाहिए थी आपको, लेकिन बस अचानक से फैसला कर लिया हमने। फौरी खरीदार भी मिल गया, इसलिए सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। रकम की जरूरत थी आपको, किस लिए बेचा उसे? नहीं, बस दरअसल हम कुछ और खरीदना चाहते थे। आप जानते हैं हमारी उस हवेली से अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है। मगर पहले हमसे मशवरा करना चाहिए था कि हम पर इतबार नहीं है आपको। ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, हम तो बस अपने जाती मामलात की वजह से आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। और वैसे भी आपने कहा था कि अपने फैसले खुद करने चाहिए। फैसला करने से पहले गौर और फिक्र करना और मशवरा करना जरूरी है बेटी, अचानक फैसला नहीं किया जाता। हजरत अली ने फरमाया कि उजलत इंसान से खता करवाती है। बजा फरमाया आपने। आपने क्या खरीदने का फैसला किया है? अभी इस बारे में तो नहीं सोचा। यानी आपने कुछ सोचे बगैर ही वो हवेली फरोख्त कर दी? हमने सोचा रकम महफूज रहेगी। और कहाँ है वो रकम? बैंक में। ठीक है नायमे, हम आपकी गलतियों को दरगुजर करते हैं ताकि आप उनसे कुछ सीखें। अब जा सकती हैं आप। वक्त पर तिब्बी इमदाद मिलने की वजह से इनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन इन्हें कुछ दिन आराम करना होगा। बस कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। गोली वो निकाल दी कमांडर। संभाल कर रखिएगा, जब उस्मान सेहतियाब हो जाएगा तो मैं वो गोली आपसे ले जाऊंगा। मुझे एक और मरीज को देखना है, अब मुझे इजाजत दीजिए। जाइए।
आप उस्मान के पास रहे नादर साहब। आप जानते हैं हमारे पास काबिले भरोसा लोग बहुत ही कम बचे हैं। जो लोग तुम्हारे मददगार हैं वही तुम्हारी कब्र खोद रहे हैं अशरफ अजीज। ये खत पाइनोस की गर्दन के पास मिला मुझे। मैं इस खत का और गोली का भी जवाब दूंगा उन्हें बहुत जल्द, लेकिन अभी हमें थोड़ा मोहतात रहना होगा। वो कमजर्फ लोग हर जगह पर मौजूद हैं। पाइनोस और मेरे ताल्लुक के बारे में अल्लाह के सिवा और कोई भी नहीं जानता था। मैं उन कातिलों को ढूंढ निकालूंगा। वो लोग हम पर नजर रखकर बैठे हैं नादर साहब, और हमारी बातें भी सुन रहे हैं। मोहतात रहे। यानी अशरफ अजीज साहब, आप तहसीन पाशा को तलाश नहीं कर सके और हमें बता रहे हैं कि उस्मान भी जख्मी है। उस्मान बहुत जल्द ठीक हो जाएगा सुल्तान मौसम, उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। तहसीन पाशा के बारे में क्या कहेंगे, उनके बारे में क्या खबर है आपके पास अशरफ अजीज साहब? इस बारे में मालूमात नहीं सुल्तान मौसम। इस वक्त आपके पास उतनी ही मालूमात हैं जितनी के एक आम आदमी के पास हुआ करती हैं। माफी चाहता हूं मैं। गलियों में खेलने वाले बच्चे भी तहसीन पाशा से मोहब्बत करते हैं, उन्हें दादा कहते हैं। तहसीन पाशा को अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो फिर वो मासूम बच्चे किससे सवाल करेंगे? आपसे सुल्तान मौसम। और हम इस बारे में किससे सवाल करेंगे? मुझसे सुल्तान मौसम। आप तो हमें कोई वजाहत या जवाब दे देंगे अशरफ अजीज साहब, लेकिन हम उन बच्चों को इसकी वजाहत नहीं दे पाएंगे। या तो आप तहसीन पाशा को फौरी तलाश करके लाइए, या फिर आपको सहरा में वापस भेज दिया जाए। तहसीन पाशा को मैं बहुत जल्द आपके पास लेकर आऊंगा सुल्तान मौसम। तुम लोगों का नया ठिकाना कहाँ है और मुझे ठिकाना तब्दील होने की इतला क्यों नहीं दी गई? पहले आप बताएं कि अशरफ अजीज को हमारे ठिकाने का इल्म कैसे हुआ? मुझे नहीं मालूम। मगर आप तो सारा दिन उसके साथ होते हैं। अशरफ अजीज हमें हर बात की इतला नहीं देता। लेकिन मैं वाकिफ हूं उसके हर इकदाम से। पादरी को मार दिया तुमने? अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि अशरफ अजीज किस कुएं का पानी पीता है तो मैं उसे भी खुश्क कर दूं। अशरफ अजीज जिस दरख्त के साए में बैठता है काट दूं उसे। और अगर कोई हमारे खिलाफ अशरफ अजीज की मदद कर रहा है तो मैं उसे अज़ियतनाक मौत दूंगा। और मैं उसे भी माफ नहीं करूंगा जिसने अशरफ अजीज को हमारे ठिकाने के बारे में मालूमात थी। कहाँ जा रही हैं आप इतना तैयार होकर? कहीं नहीं, बस चहलकदमी के लिए बाग में जा रहे हैं। हमें आपसे कुछ बात करनी है, फिर चली जाइएगा। अब आपको क्या बात करनी है? सालिहा सुल्तान और नाइमे बाजी के बारे में? नहीं आलिया, आपके मुतालिक बात करनी है हमें। आप जानते पूछते खुद को एक आग में झोंक रही हैं। बाजी अब आप बस करते हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया।
वो इस्तेफानो नामी शख्स दोबारा उसने आपसे राब्ता करने की कोशिश की है ना? नहीं, जब से आपने मना किया है मुझसे नहीं मिलते। बिल्कुल सच बताइए आलिया, वो इतनी आसानी से आपका पीछा छोड़ दे ऐसा मुमकिन नहीं। और वैसे भी आपको अंदाजा भी नहीं है कि वो कितना खतरनाक इंसान है। बाजी, हम जानते हैं कि आप हमारी भलाई के लिए सब कह रही हैं, मगर परेशान मत हो, हम उससे नहीं मिलेंगे। और हाँ, हमने वो किताब ढूंढ ली है जो आपको चाहिए थी। बहुत शुक्रिया, हम ख्वाहिशमंद थे इसे पढ़ने के। आप इसे पढ़िए, हम चहलकदमी के लिए जा रहे हैं। इम्साल खादिमा, आपके लिए खत आया है। इस पे ये भी नहीं लिखा कि ये किसने भेजा है। शुक्रिया खानदान। माफी चाहते हैं, हमें आने में देर हो गई। हम निकलने ही वाले थे कि बाजी आ गई और आपके हवाले से हमें खबरदार करने लगी। वैसे आलिया, वो ठीक कह रही हैं, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हमें इस खानदान से कोई वाबस्तगी नहीं। बाहर हर कोई अखबार में आई खबर पर तबसरा कर रहा है। नाइमे को खबर देख कर बहुत गुस्सा आ गया, उसे लगा कि ये खबर सालिहा सुल्तान की खात्मा ने शाया करवाई है। और हमने भी पूरी कोशिश की कि ये शक पुख्ता हो जाए। अब जब तक वो खादमा पर शक करती रहेंगी, हम बचे रहेंगे और सालिया सुल्तान के साथ उसके ताल्लुकात भी खराब हो जाएंगे। नाइमे को अभी सिर्फ खादमा पर शक है, लेकिन इस शक को यकीन में बदलने के लिए हमें कोई सबूत तलाश करना होगा। मगर क्या? आपको इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे महल में आप जितना जहीन कोई नहीं है और ना ही आप जितना खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। वो क्यों? कि आपने मेरा साथ दिया। हम उनकी धमकियों को खातिर में ना लाए और कमेटी का फैसला अपने हक में करवा लिया। अब अगला मरहला नए सरकारी बॉन्ड जारी करने का है। इंशाल्लाह हमारा कर्ज कम हो जाएगा। इंशाल्लाह। अब हमें इस बात का ऐलान करने की जरूरत है कि पुराने बॉन्ड की जगह नए बॉन्ड जारी किए जाएंगे ताकि लोग उन्हें खरीदें और हमारे कर्ज का मामला हल हो सके। सुल्तान मुअज्जम, हम लोगों में इस बात का ऐलान कर देंगे तो लोग जौक दर जौक खरीदने लग जाएंगे। लेकिन हमें अच्छी मिसालें देकर लोगों को इस जानिब रागिब करना होगा। सुल्तान मुअज्जम, हमें उन ताजिरों का इंतखाब करना होगा जो ज्यादा मकदार में बॉन्ड खरीदने की हैसियत रखते हों और उनके साथ बॉन्ड का तबादला सबके सामने होगा ताकि ये बात अखबारात में शाया करवाई जा सके। इस तरह सबको मालूम हो जाएगा और अवाम मुतमईन हो जाएगी। आफरीन, अच्छा ख्याल है पाशा। इसके अलावा यूरोपीय ताजिरों को भी बॉन्ड बेचे जा सकते हैं। आप उनके नाम इकट्ठा करके उनसे राब्ता कीजिए। जो आपका हुक्म सुल्तान मासूम।
जनाब। कहो, मैं सुन रहा हूँ। बर्तानिया से खबर आई है, हमारी हुकूमत की तरफ से सुल्तान अब्दुल हमीद ने हिंदुस्तान में दो बंदरगाहों पर हमारा काम रुकवा दिया है। ये एकदम हमारे मुल्क की मईशत पर मनफी असर डालेगा। हमें फौरी तौर पर इस मसले का हल निकालना होगा। अब्दुल हमीद का हुक्म यहाँ से हिंदुस्तान कैसे पहुँच गया? जनाब, तमाम मुसलमान अपने खलीफा की इताअत करते हैं। अब्दुल हमीद का दिया कोई हुक्म नहीं टालते। ठीक है पाशा हजरत, आपके सामने मौजूद फहरिस्त उन ताजिरों की है जिनके पास ज्यादा से ज्यादा मकदार में बॉन्ड मौजूद हैं। इन नामों पर फिर नजरसानी करनी होगी और फैसला करना है कि हम सहाफियों के सामने किस ताजिर के साथ बॉन्ड का तबादला कर सकते हैं। वो सब तो ठीक है वजीर आजम पाशा, मगर ये फहरिस्त तो बहुत लंबी है। ऐसा ही है पाशा, ऐसा ही है, लेकिन खरीदार जितने ज्यादा होंगे कर्ज उतना ही कम होगा। इस इकदाम के जरिए हम अनकरीब कर्ज अदा करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जनाब कसल, उम्मीद है कि मैं आपके काम में मुखल नहीं हुआ हूँ। नहीं नहीं, खुश आमदीद। मैं दरअसल आपसे कुछ मुशावरत करना चाहता था। ठीक है, तो हम वहां बैठकर बात करते हैं। जनाब लॉरेंजो, सबसे ज्यादा बॉन्ड्स इन्हीं के पास हैं, 1.5 करोड़ के। ठीक है, तो फिर सहाफियों के सामने हम इनके साथ बॉन्ड का तबादला करेंगे। इस्सत पाशा, आप बॉन्ड की छपाई का हुक्म दे दें और जनाब लॉरेंजो से राब्ता भी करें। जैसे आप चाहें पाशा। जी जनाब कसल, आप क्या बात करना चाहते थे? दरअसल मैं नए जारी होने वाले बॉन्ड के बारे में मालूमात हासिल करने आया था आपके पास। वैसे ये काम इस्सत पाशा को मिला है, नए बॉन्ड की छपाई की जिम्मेदारी उनके सर है और हम नए बॉन्ड को जाली बॉन्ड के साथ बदल देंगे। तहसीन पाशा कहाँ है? अगर आप हमें ये मालूम करके बता दें तो हम भी हिंदुस्तान वाला मामला हल करने की कोशिश करेंगे। आपको मुखालिफ सोच रखने वालों की एक फौज बनानी होगी। उनका कहना है कि माली मदद भी फराहम करेंगे वो, हत्ता के नौजवानों को यहाँ से ले जाने के लिए जहाज भी मुहैया किया जाएगा। हिदायत इसमें दर्ज है, अगर तहसीन पाशा हर्फ बहर्फ हिदायत पर अमल करते रहे तो वो खुद को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। एक पेचीदा मंसूबा। दुश्मन का भरोसा हासिल करने के लिए उन्हें ये करना पड़ेगा। क्या मालूम कि वो इकबा है? हो सकता है कि अब्दुल हमीद झूठ बोल रहा हो, हम उसकी बात का यकीन क्यों करें? मगर वो ऐसा क्यों करेगा? बरतानवी मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए। रजा पाशा, पहले तुम्हें वजीर दिफा रजा पाशा को अगवा करना होगा, क्योंकि जंगी नक्शे उनके पास हैं, और फिर उसके बाद आखिरी मरहला होगा।